हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। आर आर बी एन टी पी सी की सीरीज में आज हम देखेंगे मैथ से पार्ट 6, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, और उन क्वेश्चंस को कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं एग्ज़ाम में। मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको समय लग सकता है, लेकिन आप उन क्वेश्चंस को भी कैसे 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको इस सीरीज में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे अगर आपको इसके पहले के वीडियोस देखने हैं, 5 पार्ट्स जो मैंने बना रखे हैं, तो कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूँ प्लेलिस्ट का, वहाँ पे जा कर के आप देख सकते हैं। और आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोस मिलती रहें आपको, तो आप चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, इफ़ 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:5, कि 3 नंबर अगर इस रेशियो में है, 2:3:5 के रेशियो में है, एंड द ट्वाइस देयर सम इज 100, कि मतलब उन तीनों नंबर को अगर हम सम करें और उसका डबल कर दें तो वो किसके बराबर हो जाता है, 100 के। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर, कि इन तीनों नंबर में जो लार्जेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में आपको रेशियोज दिए गए हैं 3 नंबर के, उसको आप लिख सकते हैं 2:3:5 का ये रेशियो है। अब आपको इसका सम नहीं पता है, लेकिन आप इनके रेशियोज़ का सम तो निकाल सकते हैं, 5, 3, 8, 2, 10 कितना जाएगा, 10। लेकिन 10 नहीं, इसके साथ आपको एक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता हैं। ये आ गया 10x। अब आपको कह रहा है कि इनके सम का ट्वाइस किसके बराबर है, 100 के बराबर है। तो इसका आप ट्वाइस कर दीजिए, मतलब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 20x। ये किसके बराबर है, तो ये है 100 के बराबर है। आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी, 20×5 100 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब आप हर एक नंबर निकाल सकते हैं कि हर एक नंबर क्या है, लेकिन आपको वो निकालने की ज़रूरत नहीं, आपको सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर निकालना है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, जिसका पार्ट सबसे बड़ा है, मतलब 5। तो आप सीधे उस नंबर को निकालिए, एक्स का गुणा 5 भी करिए तो कितना आ जाएगा, 5×5 25, और इसी का स्क्वायर निकालिए, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹48,000 फॉर 2 ईयर्स एट 20% पर एनम इफ़ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 48,000 रुपये पे 20% की दर पे 2 साल के लिए अगर वो लगाया जा रहा है पैसा, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो इसको कैसे आप निकाल सकते हैं। बड़ा आसान है, आपको कुछ नहीं करना, 20% लेना, इफेक्टिव परसेंट से आप 2 साल का निकाल लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा कितना। तो कैसे निकालेंगे हम, तो 20+20+ में 20×20/100, ये करेंगे, 0 से 0 कट गया, कितना हो गया, 20, 20, 40, और 2×2, 4, कितना हो जाएगा, 40 और 4, 44। तो ये आ गया 44%। आपको क्या करना है, केवल 44% निकाल लेना है, किसका, 48,000 का। अब देखिए, आपको इसके लिए कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से आंसर मार्क कर सकते हैं, बी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है। अब आप पूछेंगे कैसे, हमको पता क्या चल रहा है, कि यहाँ पे आपको केवल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, या फिर आप इस क्वेश्चन को ना भी करते तो भी आप बी वाले ऑप्शन को टिक कर सकते थे, समझिएगा बात। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, मूलधन होगा, उससे ज़्यादा तो आएगा नहीं, ओके। तो ये आपका मतलब 2 साल के लिए लगा हुआ है, 20% की दर पे है, तो ज़्यादा कैसे आ सकता है, ऐसे आप सोच सकते हैं। अब ये 200% होता, 300% होता, तब बात अलग थी, लेकिन ये 20% ही है 2 साल के लिए, तो इससे ज़्यादा तो आएगा नहीं। 3 ऑप्शन जो आपको एग्ज़ाम में प्रोवाइड किए गए थे, सारे इससे ज़्यादा के थे। मतलब यहाँ पे एग्ज़ाम में किया क्या गया था, कि उन्होंने सोचा होगा क्या, कुछ लोग ऐसी गलतियाँ करेंगे कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर 48,000 में उसको ऐड करके फिर जो है उसका आंसर ढूंढेंगे, ऐसी गलतियाँ करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब आपसे केवल कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा जा रहा है, पूरा एग्रीगेट अमाउंट नहीं पूछा जा रहा है, विथ इंटरेस्ट कितना रहा है, तो आपको देखना था कि सबसे छोटा अमाउंट यहाँ पे 21,120 ही दिख रहा है, तो यही इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि 48,000 से कम ही होगा, बाकी तो सारे 48,000 से ज़्यादा हैं। तो एक तो तरीका आप ऐसे कर सकते थे, उतना नहीं भी, अगर कई बार होता है क्वेश्चन पढ़ते समय इतना दिमाग नहीं काम करता है, तो आप यहाँ से भी लगा सकते थे कैसे। अब आप 48,000 का 50% भी अगर आप निकालेंगे तो 24,000 ही आएगा, और ये 44% है, 44% होने का मतलब कि 24,000 से कम वाली वैल्यू देखिए कौन सी है इसमें, तो ये बी वाला ऑप्शन ही, और तो कोई है ही नहीं। तो यहाँ से भी आप टिक कर सकते थे, इतना भी दिमाग अगर नहीं चल रहा था तो आप इसको पूरा कैलकुलेट कर सकते थे। अब इसमें कुछ बड़ी बात रह नहीं गई है, आप इस 44% को भी अगर चाहें
तो 50 माइनस में 6% करके इसको ब्रेक कर लीजिए, 50% इसका कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 24,000। और 6% आप कैसे निकालेंगे, 5 + 1%, 5% इसका कितना होगा, तो 5% हो जाएगा इसका 2400, और 1% और ऐड कर दीजिए मतलब 480, कितना हो जाएगा 2880। आपको बस इस 2880 को इसमें से घटा लेना है, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 1 और ये 2, 21,120 आसानी से आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, अ लैडर इज 20 मीटर लॉन्ग, इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, हाउ हाई ऑन द वॉल डज द लैडर रीच। अब इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि 20 मीटर की अगर लैडर है, मान लीजिए एक दीवार है, 20 मीटर की ये लैडर है, ये इस दीवार पे कुछ ऐसे 30 डिग्री पे झुकी हुई खड़ी है। ओके, 30 डिग्री ये एंगल बना रही है, तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ये 20 मीटर है, तो अगर आप सीधे सीधे भी अगर खड़ा खड़ा भी इसको ऐसे रखेंगे लैडर को इसके साथ 0 डिग्री पर, तब ये 20 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच पाएगी। अब अगर लीनिंग है, अगर वो थोड़ा एंगल बना करके रखी हुई, तो वो 20 मीटर से तो कम ही यहाँ पे आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, सी और डी वाले ऑप्शंस तो कभी हो ही नहीं सकते, तो आप ऐसे ही इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। केवल दो ही ऑप्शन आपके सामने बचते हैं। देखिए, अभी कोई कैलकुलेशन नहीं किया है मैंने, केवल क्वेश्चन पढ़ा है, और दो ऑप्शंस ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं एकदम कॉमन सेंस लगा करके। अब बचता है केवल दो ऑप्शन, ए और बी वाला, 10 मीटर और 17.32 मीटर। तो 30 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना है। अब आपको अगर इतना नहीं भी गेस हो रहा है कि इसका ए वाला ऑप्शन ही सही होगा, तो आप ऐसे ही देखिए, आप निकाल लीजिए 30 डिग्री है और ये आपको पता है 20 मीटर है, आपको ये लंबाई निकालनी है कि ये लंबाई कितनी है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो आप सीधे क्या लगा दीजिए, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री लगाइए। sin 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस कितना है 20 मीटर, ठीक है, मतलब विकर्ण की लंबाई कितनी है 20 मीटर। sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, और ये क्या हो जाएगा, पी अपॉन में 20, दोस्त इसको 10 बार में काट देगा तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर्स। आसानी से आंसर मिल गया। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो गया, इसका ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। लिखा हुआ है, टू पोल्स ऑफ द हाइट 15 मीटर एंड 20 मीटर स्टैंड वर्टिकली अपराइट ऑन अ प्लेन ग्राउंड, कि दो पोल हैं जिनकी लंबाई 15 और 20 मीटर की है, वो 90 डिग्री पे मतलब एकदम वर्टिकली एक प्लेन ग्राउंड पे खड़े हैं। लिखा हुआ, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर, अगर उनके पैरों के बीच की दूरी कितनी है, 12 मीटर है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, तो आपको बताना है उनके जो शीर्ष हैं या चोटी है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो चित्र अगर यहाँ पर हम बनाएँ, मान लीजिए एक पोल ऐसा है और एक पोल कुछ इस तरीके से है, तो ये पोल है 15 मीटर का और ये पोल है 20 मीटर का, इनके पैरों की या पादों के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 12 मीटर दी गई है। तो आपको इनके शीर्ष मतलब इनका जो चोटी है इनके बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है कि ये कितनी होगी। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, आपको पाइथागोरस थ्योरम ही लगाना है। ये अगर 12 मीटर है तो यहाँ से इसके शीर्ष से अगर मैं ऐसे लाइन खींचूँ तो ये भी डिस्टेंस तो 12 मीटर ही होगी, क्यों, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली हैं, एकदम एक दूसरे के पैरेलल खड़े हुए हैं, तो डिस्टेंस कभी भी कम ज़्यादा नहीं होगी। तो आपको ये पता चल गया ये 12 मीटर है, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट, अगर मैं इसको पॉइंट दे दूँ नाम ए बी सी, तो ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 5 मीटर। कैसे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये जो हमने खींच दिया तो ये दूरी भी तो 15 मीटर ही हो गई, इसके बराबर ही, बाकी ये टोटल 20 मीटर है तो बाकी का कितना बचा, 5 मीटर, तो ये यहाँ पे पहुँच गया, इतना ए बी की लंबाई हो गई। अब आपको ए सी की लंबाई बतानी है कितनी होगी, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 144। वैसे तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, आप आसानी से कह सकते हैं 13 मीटर इसका सही होगा, 5, 12 और 13 आपस में पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। नहीं पता है तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाएगा, 169, और यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे स्क्वायर हटा करके, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 मीटर। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट फॉर 2 ईयर्स अमाउंट्स टू ₹1200। मतलब कह रहे हैं कि कुछ अमाउंट है, वो अमाउंट कितना हमको नहीं पता है, उसको अगर सिंपल इंटरेस्ट पे हम किसी दर पे, दर भी हमको नहीं पता, रेट क्या है, 2 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसका सिंपल इंटरेस्ट ₹1200 मिलता है। ध्यान रखिए, ये सिंपल इंटरेस्ट केवल ₹1200 मिल रहा है।
द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर टू ईयर्स अमाउंट्स रुपीज 1290, कि अगर उसी पैसे को जितना पहले में था उतने ही पैसे को अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाते हैं किसी दर पे मतलब जो पहले वाली दर थे सेम दर पे ही उसी दर पे लगाते हैं 2 साल के लिए, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1290 रुपये मिल रहा है। व्हाट वॉज द प्रिंसिपल, तो आपको मूलधन क्या है वो बताना है। तो कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन के लिए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। आपको क्या करना है इसमें, अगर आप रेट निकाल लीजिए कि वो रेट क्या है जिस पे लगाया जा रहा है पैसा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो रेट कैसे निकाल सकते हैं, तो रेट निकालने के लिए R इज इक्वल टू 2 साल के लिए आपका ये अमाउंट है तो 2 × CI माइनस SI अपॉन में SI इंटू में 100। इस फॉर्मूले का अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको एकदम तुरंत ही यहाँ पे रेट मिल जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 2 CI और SI में डिफरेंस कितने का है, 1290 और 1200 में डिफरेंस कितने का है, तो यह है 90 रुपये का, डिवाइडेड बाय SI कितना है तो यह है 1200 और गुणे में क्या हो गया 100, ये आपका कट जाएगा। 2 से काटेंगे 2 × 12 हो जाएगा, 6 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 15%। R की वैल्यू जब 15% आ गई तो आप आसानी से प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हैं। कैसे, आपको पता है कि 2 साल के लिए जो सम है जो लगाया गया सिंपल इंटरेस्ट पे वो 1200 रुपये आ रहा है, तो ये 2 साल की वैल्यू है, तो 1 साल पे ये कितना आएगा इंटरेस्ट, तो आ जाएगा 600 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का है, 15% का है, मतलब 15% की वैल्यू दी गई है कितनी 600 रुपये, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं 600 डिवाइडेड बाय 15 और गुणे में 100, 15 × 60 और ये देखिए कितना गया 4000। कौन सा ऑल ऑप्शन सही हो गया, बी ऑल ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया कि इसका मूलधन कितना गया 4000। ओके, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला पता है, विद इन सेकेंड आपको आंसर मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है द एस सी एफ एंड एल सी एम ऑफ टू नंबर्स आर 3 and 2730 2730। ये एल सी एम और एस सी एफ हैं। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 78 फाइंड द अदर नंबर, कि अगर एक नंबर उसमें से 78 है तो दूसरा नंबर कौन सा होगा। इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको ये फॉर्मूला अगर पता है तो एल सी एम इंटू में एस सी एफ क्या होता है, नंबर 1 इंटू में नंबर 2। अब आपको नंबर यहाँ पे एस सी एफ पता है, एल सी एम पता है, नंबर 1 पता है, दूसरा नंबर निकालना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा 3 × 2730 और दूसरा नंबर यहाँ पे जो डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 78 हो जाएगा। 3 से काटिए कितनी बार कट जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 6 = 18, 26 से कम 26 होता है, 1 बचेगा ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक 0 आप लगा सकते हैं फिर, क्योंकि पूरा का पूरा कट जाएगा, 26 × 5 = 130 पूरा का पूरा ये कट गया। कितना गया आंसर इसका, 105। कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, लिखा हुआ है इफ़ पी ट्रेवल्ड द फर्स्ट हाफ ऑफ अ जर्नी एट 40 km/h एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट 50 km/h, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेवल। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग गच्चा खाते हैं, वो सोचते हैं एवरेज स्पीड निकालनी है, मतलब अगर पी को कोई दूरी तय करनी है, यहाँ पे अगर मैं ऐसे दिखाऊँ ए से बी तक अगर वो डिस्टेंस तय करता है कौन, पी, तो ये हाफ हो गया, तो इतने को वो 40 km/h से तय कर रहा है और उसके बाद को वो 50 km/h से तय कर रहा है। तो एवरेज स्पीड निकालने में कहते हैं कुछ लोग कि 50 + 40 / 2 कितना जाएगा, 90/2 इज इक्वल टू कितना जाएगा 45 km/h। ये गलत है, ऐसे नहीं निकलती, ये आपका रॉन्ग है। इसका सही तरीका क्या है, अगर आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है फॉर्मूला, कि 2 यहाँ पे स्पीड 1 जो हो स्पीड 1 इंटू में स्पीड 2 अपॉन में स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, इस फॉर्मूले का आप यूज़ करेंगे एवरेज स्पीड निकालने के लिए, जब इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो कैसा होगा ये, 2 × स्पीड 1, स्पीड 1 कितनी है 40, स्पीड 2 कितनी है 50, और S1 प्लस S2 करेंगे 50 + 40 कितना हो जाएगा 90, काट लीजिए आप पहले उसको, ये 500 × 20 200 × 2 कितना हो जाएगा 400, 400/9 कितना आ जाएगा 9 × 36, फिर 9 × 36 पॉइंट में 9 × 36 कटेगा नहीं, 44.44 km/h, ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आप देखेंगे कि आपको सी वाला जो ऑप्शन है वो भी मिल रहा था, जो कि ये जो गलत आपने वैल्यू निकाली थी इसी से आपको ये ऑप्शन मिल रहा था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ एलसीएम ऑफ 15, 25 and 29 एस, कि 15, 25 और 29 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम देखते ही आपको जब यहाँ पे दिख रहा है 3 नंबर्स हैं, तो यहाँ पे 2 नंबर्स तो यहाँ पे एलसीएम मिल सकता है, इनके बीच में कॉमन वैल्यूज़ हो सकती हैं,
लेकिन ये जो 29 है ये तो प्राइम नंबर है, तो इसका एलसीएम नहीं मिलेगा आपको, एलसीएम जो भी मिलेगा मल्टीप्लाई करके ही मिलेगा। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि 15 और 25 का एलसीएम क्या होगा, तो आपको समझ में आएगा 75 होगा। ओके, 75 दोनों से कट जाता है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, 75 और 29 का एलसीएम निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 75 गुणे में 29 कर दीजिए, क्योंकि प्राइम नंबर है, कुछ भी यहाँ पे आपको मिलेगा नहीं, तो आप सीधे गुणा कर लीजिए। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि 75 गुणे 30 कर लीजिए। तो अगर आप 75 गुणे 30 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75 दूनी कितना होता है 150, फिर 225, तो ये हो जाएगा 2250। लेकिन आपने 30 बार गुणा किया है, मतलब एक बार आप 75 घटा लीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 आ जाएगा, 14 में से 7 जाएगा 7 आएगा, ये एक होगा 2175। कौन सा वाला ऑप्शन सही हो गया, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। आप ऐसे भी कर सकते थे, 15 करेंगे फिर 25 लिखेंगे फिर 29 लिखेंगे फिर इसको काटने चलेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करेंगे थोड़ा फास्ट आएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द गिवन नंबर, कि इनमें से कौन सा क्रम सही है, आपको ये बताना है। तो देखिए नंबर जो यूज़ हुए हैं चारों वो सब में है, बस आगे पीछे यूज़ हुए हैं। तो आप इन सारे नंबर्स को अगर डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा इनको अरेंज करना। तो 3/8 क्या होगा, तो 3/8 को हम कह सकते हैं 8 × 3 = 24 होगा, तो ये आपका 0.3 हो जाएगा, 24 होगा तो 6 × 8 = 56, 0.37 ऐसे नंबर आएगा। 19/73 क्या हो सकता है, तो देखिए 0 लगाएंगे तो 190 हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये 70 × 2 = 140 होगा, 3 करेंगे 210, ज़्यादा हो जाएगा, और वैसे भी ये 73 है, तो आप केवल इसको 2 times ही ले जा सकते हैं, 2 point something times ये जाएगा। फिर अगर हम करें 29/47, ये कितना होगा, यहाँ पे डॉट डॉट रख दूँ वरना कहेंगे दो बार में कैसे पूरा कट गया। 29/47 कितना होगा, तो इसको में हम 0 लगाएंगे तो 290 होगा। देखिए 50 × 6 अगर करेंगे तो 300 के बराबर होगा, और ये तो 47 है, 6 में ही जाएगा, 6 × 7 = 42 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 × 4 = 24, हाँ 6 में चला जाएगा आपका, 0.6 something times में जाएगा। फिर 17/39, इसको भी देख लीजिए आप कितना होगा, 0 लगाएंगे ये कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। 40 × 4 करते हैं तो 160 होता है, तो ये लगभग आपका 4 point something में जाएगा। तो ये आपको वैल्यूज़ जब मिल गई, अब देखिए कोई यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं, अगर ये 0.2 है, कोई और भी 0.2 आता तब आपको पूरा और करना पड़ता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो ये है 29/47, 0.6 है इसकी वैल्यू। तो आप देखिए 29/47 सबसे आखिरी में कहाँ पे, क्योंकि सबसे बड़े नंबर को सबसे आखिरी वाला डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है, तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। पूरा ना भी मिलाइए तो भी आपको समझ में आ गया, या फिर आप पूरा मिला सकते हैं तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है डिवाइड 3740 इन 3 parts इन सच अ वे दैट हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट एंड 1/6 ऑफ द थर्ड पार्ट आर इक्वल, कि आपको 3740 को 3 भागों में इस तरीके से विभाजित करना है कि पहले पार्ट का, मतलब जो पहला नंबर हो उसका आधा, दूसरे नंबर का 1/3 और तीसरे नंबर का 1/6 हिस्सा जो होगा वो बराबर होगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को करने का कोई तरीका आप फॉलो मत भी करिए, आप केवल ऑप्शंस पे आ जाइए। आप ऑप्शंस पे देखिए, पहला नंबर 700 है, 700 का आधा करेंगे कितना आएगा 350, 1000 का 1/3 करेंगे तो कितना आएगा 333 something, ये बराबर है क्या, नहीं, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर इसी तरह 340 है, 340 का हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, 170 आ गया, और यहाँ पे इसका हाफ करें, यहाँ पे इसका तिहाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 4 = 12, लगभग 400 something आएगा, तो इसका मतलब ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। सी वाले पे आइए, देखिए क्या होता है, हाफ करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 340, इसका 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 340 आ गया, मतलब ये तो बराबर हो गया। तो अब तीसरे पार्ट पे भी चले जाइए कि 1/6 इसके तीसरे पार्ट का करना है, तो 6 से डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, 6 × 3 = 18, 2 × 6 = 24, देखिए तीनों पार्ट आपके क्या आ गए, इक्वल आ गए, तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, आसानी से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है अ क्लोज वुडन रेक्टेंगुलर बॉक्स मेड ऑफ 1 centimeter थिक वुड हैज़ द फॉलोइंग आउटर dimensions, कि कोई एक बंद डिब्बा है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, आयताकार डिब्बा है, जो 1 centimeter मोटी लकड़ी से बना हुआ है, तो उसके आउटर dimensions क्या हैं ये बताया जा रहा है। लिखा हुआ है लेंथ क्या है इसकी 22 centimeter, ब्रेथ क्या है इसकी 17 centimeter और हाइट क्या है इसकी 12 centimeter।
कह रहे हैं कि इट इज फिल्ड टू कैपेसिटी विद द सीमेंट, कि उसको पूरी तरह मतलब जितना उसमें समा सकता है उस बॉक्स में उतना पूरा उसको सीमेंट से भर दिया गया है। तो आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट, कि कितना सीमेंट उसमें है, उसका आयतन क्या है सीमेंट का, ये आपको बताना है। तो आप समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। वैसे तो आपको पता होगा कि अगर यहाँ पे इस तरह का बॉक्स होगा रेक्टेंगुलर, तो उसका आयतन कैसे निकालते हैं हम, एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर देते हैं, आसानी से निकल जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे करेंगे तो आपको सही ऑप्शन या यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन वो सही आंसर नहीं होगा। तो आपको अगर मैं बॉक्स का शेप यहाँ पे दिखाऊं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। मान लीजिए इस तरह का कुछ बॉक्स यहाँ पे है, तो इसकी जो लंबाई है ये आपको यहाँ पे दिया गया है। मान लीजिए ये लंबाई है, ये क्या है 22 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। ये जो इसकी चौड़ाई है ये दिया गया है 17 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, और ये जो ऊंचाई है ये दिया गया है 12 सेंटीमीटर। लेकिन ये इसके आउटर के डायमेंशंस हैं, ध्यान रखिए जो बॉक्स है ये 1 सेंटीमीटर थिक वुड का बना हुआ है, मतलब इसकी जो अंदर का वॉल्यूम होगा ये बाहर के वॉल्यूम से कम होगा, क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर चारों तरफ से वो कम होगा। मतलब इधर से अगर आपको यहाँ पे मैं ड्रॉ कर सकूँ, ये जो इसका अंदर का भाग होगा उसमें केवल इतनी ही स्पेस होगी, मतलब ये स्पेस जो लकड़ी वाली है वो तो वहाँ पे तो सीमेंट जाएगी नहीं, जो उसका अंदर का वॉल्यूम होगा वहीं तक सीमेंट जाएगी। ये जो भाग है ये 1 सेंटीमीटर का ऊपर नीचे यहाँ भी है, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, और अगर अंदर की बात किया जाए, इस तरफ की बात किया जाए, तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, ये चारों तरफ से ये 1-1 सेंटीमीटर का गैप यहाँ पे बनेगा। तो आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में कितना सेंटीमीटर घटाना होगा, 2 सेंटीमीटर घटाना होगा। आप कहेंगे 1 सेंटीमीटर है, 2 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं लंबाई की बात करूं तो 1 सेंटीमीटर नीचे से और 1 सेंटीमीटर ऊपर दोनों से कम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से 2-2 सेंटीमीटर हर तरफ से कम होगा, तो इसकी लंबाई, अब नई लंबाई क्या हो जाएगी इसकी, तो ये हो जाएगी 22 में से 2 घटाएंगे 20, चौड़ाई क्या हो जाएगी नहीं तो ये हो जाएगी 15, और ऊंचाई क्या हो जाएगी तो ये हो जाएगी 10। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं, एल बी एच कर दीजिए, मतलब कितना हो जाएगा 20 × 15 × 10, 15 × 30, और ये कितना हो जाएगा 3000 क्यूबिक सेंटीमीटर। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ये अगर आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे थे एग्जाम में तो आपके लिए यहाँ पे दिक्कत की बात होगी, और आप हो सकता है कुछ गलत आंसर करके आ पाएं। ओके, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अ पीस ऑफ क्लोथ कॉस्ट ₹35 की, किसी कपड़े की कीमत जो है वो ₹35 है। इफ द पीस वर 4 मीटर लॉन्गर एंड ईच मीटर वर टू कॉस्ट 1 लेसर, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कपड़ा 4 मीटर लंबा होता और हर मीटर की जो कॉस्ट होती वो ₹1 कम पड़ती, देन द टोटल कॉस्ट वुड रिमेन अनचेंज, तो जो टोटल कॉस्ट थी वो भी अनचेंज ही रहती। मतलब ₹35 भी जो पड़ा है कपड़े का, 4 मीटर अगर लंबा होता तो भी वो 35 मीटर ही पड़ता, क्योंकि हर 1 मीटर पे ₹1 कम हो जा रही थी कॉस्ट। तो आपको बताना है हाउ लॉन्ग इज़ द पीस ऑफ क्लोथ, तो आपको बताना है कि कितना लंबा ये कपड़ा है। तो मैं चाहूँगा इस क्वेश्चन को आप खुद से करिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, आसानी से आप कर पाएंगे अगर आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे क्या करना है। पिछले क्वेश्चन की तरह आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर क्या है, आसानी से आ जाएगा अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जो तरीके मैंने बताए पसंद आए हों या आपको लाभप्रद लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और ये जो मेरी मेहनत है ये पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके। और आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका जो PDF वर्जन है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।